ओम ज्ञानी तिमरांध ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितम् येन भूतले स्वयं रूपः कदामयम् ददाति सर्वदान्तिकम्। वंदे अहम् श्री गुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। आओ मेरी प्रिय बहन भाइयों, सत्संग प्रेमीजनों, श्रोतागणों, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 12 श्री भगवान वाच। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, न त्वेवाहं जातु नाशम न त्वं नेमि जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वती व्यासम ततो जया मुदीरेत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वास्तव में बात वो नहीं है जो तू सोचता है। जो सोच रहा है उसमें पूर्णतया असत्य छुपा है, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस, ये सृष्टि में कोई ये धारणा करे कि ये सृष्टि चलती है, चलायमान है, चांद चलता है, तारे चलते हैं, सूर्य चलता है, पृथ्वी चलती है। आपको मालूम है पृथ्वी कितनी स्पीड से घूम रही है सूर्य को चक्कर लगाने? 24 घंटे में अपनी धुरी के ऊपर एक चक्कर तो अपना ये कर लेती है, इसमें रात और दिन हो जाते हैं। लेकिन वो सूर्य को चक्कर लगाने के लिए तो उसको दौड़ना पड़ेगा। तो मैंने सुना है कोई वैज्ञानिक के डॉक्टर के मुख से कि 1,00,000 किलोमीटर एक घंटे की स्पीड से ये पृथ्वी दौड़ रही है। और कोई नई जानकारी मिली हो आप लोगों को, लेकिन दौड़ रही है, सूर्य दौड़ रहा है, ये सारे मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु ये सभी तारे ग्रह उपग्रह नक्षत्र सभी तो दौड़ रहे हैं। चेंजिंग हो रही है हमारे शरीरों की, में बदलाव आ रहा है। बालक थे तो कितने सुंदर किलकारी मारते थे, कितना सुंदर चेहरा था, सब लोग बलैयां लेते थे। फिर थोड़े बड़े हुए, 10-12 वर्ष के थे, 16 वर्ष के थे, तब तक भी बड़े अच्छे सुंदर लहराते हुए बाल थे, बड़ी सुंदर देन थी भगवान की। फिर लेकिन धीरे धीरे, भगवान की तो प्रत्येक दिन सुंदर होती है, उसकी दृष्टि में अच्छा बुरा होता ही नहीं कि इसको अच्छा दे दूं इसको बुरा दे दूं, वो जो देता है वो अच्छा ही देता है।
सभी रंग उसके हैं, काला, पीला, नीला, गोरा, भूरा, सफेद। व्हाइट मैन और ब्लैक मैन भगवान की दृष्टि में दो नहीं है, एक ही है, उसके ही है। लेकिन चेंजिंग हो रही है शरीर की, बदलाव आ रहा है, जवानी आ रही है, बुढ़ापा आ रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है, गिर जाता है, जला दिया जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर वही चक्र चलता है। ये पृथ्वी की भी बदलाव आ रहा है पृथ्वी में। वैज्ञानिक कहते कभी ये आग का गोला थी, फिर थोड़ी थोड़ी ठंडी हुई, जल आया, पृथ्वी पर रहने जीव प्रकट होने लगे। आज पूरी तरह जीव 84 लाख योनियां इसके ऊपर रह रही है, जल में, थल में, नभ में, उड़ने वाले। बैठते तो पृथ्वी के ऊपर ही आकर हैं, उड़े चाहे आकाश में। ये सभी बदलाव आ रहा है। जो भूमि कल थी वो आज नहीं है, आज है वो कल नहीं रहेगी। इसकी भी आयु है, बढ़ती जाती है, ये भी मृत्यु की ओर जाती है। पृथ्वी भी, सूर्य भी, ये ब्रह्मांड भी मृत्यु की ओर जाता है। बदलाव आते हुए वैज्ञानिक कहते हैं कि जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, ये पृथ्वी है, ये अभी बालक है, बच्चा है, ये फैलता ही जा रहा है। सत्य तो क्योंकि ये फैलते हैं और फिर एक दिन प्रलय में चले जाते हैं, ये सत्य है। बच्चा फैलता है, एक दिन पेट में एक पानी का छोटा सा बबल होता है, ये फैलता जाता है, फैलता जाता है, बाहर आता है 10-15 पौंड का, बढ़ता जाता है, फिर ये 200 पौंड का हो जाता है, कोई कोई 350-400 पौंड के हो जाते हैं, फिर गिर जाता है। चेंजिंग इज द लाइफ। इस संसार में बदलाव है, और जहां बदलाव है वहां सत्य का अभाव है। इसलिए भगवान कहते हैं इस श्लोक में कि नैत्वेवाहम नहीं, ये दूसरे श्लोक में कहा है, लेकिन इस श्लोक में भगवान 12वें श्लोक में कहते हैं नैत्वेवाहम जातुनाशम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे भयमतः परम। हे अर्जुन, ना तो ऐसा ही है कि किसी भी समय में मैं नहीं था, या ऐसा ही है कि किसी भी समय में तू नहीं था, या ऐसा ही है कि ये राजा लोग नहीं थे, ये पहले हम सभी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये मुख्य रूप से भगवान कह रहे हैं, क्योंकि ये आत्मा कभी मरती नहीं, ये सदैव के लिए है। ये नहीं कि पहले नहीं थी, कहीं से आ गई है और फिर पता नहीं आगे होगी कि नहीं, नहीं। भगवान कह रहे कि ये राजा लोग, ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा लोग नहीं थे, ये पहले भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, सत्ययुग में भी थे, उससे पहले भी थे, सृष्टि प्रारंभ के समय भी थे, और सृष्टि नहीं हुई, ये भौतिक संसार नहीं था, तब भी ये राजा लोग थे। और अर्जुन तू भी था और मैं भी था, और आज भी हम सब हैं और आगे भी मिलियंस ट्रिलियंस और ऑक्टो मिलियंस ईयर्स के बाद भी हम सब होंगे। ये भगवान क्यों कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि ये राजा लोग और हे अर्जुन, ये आत्मा के ऊपर चढ़े हुए आवरण हैं शरीरों के, आत्मा कभी नहीं मरती।
आत्मा का विनाश नहीं है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसलिए ऐसी बातें भगवान कह रहे हैं। जय गोपाल। जय गोपाल। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम कलेदयन्त्यापो नाशोष्यति मारुतः। हे अर्जुन, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, ये आत्मा किसी शस्त्र से छेदन नहीं किया जा सकता, आत्मा के अंदर इसको मारा नहीं जा सकता कोई अस्त्र से, शस्त्र से, एटम से, कोई यत्न से। सारे विश्व के उपाय कर लो तो यह आत्मा नहीं मरती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, अग्नि में डाल दो तो भी ये नहीं जलती, ये शरीर जल जाएगा, आत्मा नहीं जलेगी। ये शरीर जल जाएगा, राख बन जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं जलेगी। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न च एनम कलेदयन्त्यापो, और कोई भी जल समुद्र में इसको डाल दो तो ये गीली भी नहीं होती, इसको समुद्र टच भी नहीं कर सकता, पानी टच भी नहीं कर सकता, ये गीली नहीं होती, तो फिर मरने का तो सवाल ही नहीं है, नष्ट होने का तो सवाल ही नहीं है। टच ही नहीं होती पानी को, कितने भी गहरे समुद्र में डाल दो। न शोष्यति मारुता, और वेगवती तूफान, हरिकेन, टर्नाडो और स्टॉर्म्स, बड़े तूफान वायु के, इसको नहीं सुखा सकते। 49 वायु है, 49 ही अग्नि है, 49 वायुओं में से 10 वायु आपके शरीर में होती है, डॉक्टर नहीं पहचान पाएंगे। शास्त्र कहते हैं, हालांकि डॉक्टर इनके स्थान बता सकते हैं कि तुम्हारे हृदय में वायु है, तुम्हारे फेफड़ों में वायु है, तुम्हारे पेट में वायु है, तुम्हारी नसों में वायु है, तुम्हारे ब्रेन में वायु है, ये बोल सकते हैं, और यहां कम है या ज्यादा है बोल सकते हैं, लेकिन ये वायुओं के भेद हैं, वायुओं के भेद हैं। हृदय की वायु को शास्त्रों ने व्यान कहा है, व्यान उदान, हम डकार लेते हैं, उबासी लेते हैं, उदान व्यान, उदान पान, जो ब्रीदिंग लेते हैं पान अंदर जो जाती है, अपान जो बाहर निकलती है, बोलिए, भीतर जाती है वो वायु कुछ और होती है, बाहर आती है वो कुछ और होती है, डॉक्टर ये जानते हैं। भीतर हम ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर फेंकते हो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। व्यान उदान समान, ये नाभि के मध्य में, पेट के मध्य में नाभि है, नाभि के पास में समान नाम की वायु रहती है, जो बाहर गई हुई वायु, बाहर हम छोड़ देते हैं सांस को, उसको भीतर लेने का काम उसी का है, अगर वो नहीं हो तो बाहर की बाहर ही रह जाती है, उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए तो आदमी प्राण छोड़ देता है। ये समान वायु है, ये समान रूप से उसको खींचती है, इसको बाहर फेंकती है, इसको, ये इसका कार्यक्रम चल रहा है। आप सोते रहे तो भी चल रहा है, आप सो जाए गहरी निद्रा में तब भी आपकी सांसें चल रही है। ये कौन कर रहा है? आप तो नहीं कर रहे, आपका मन भी सोया हुआ है, चेतन है, खर्नाटे आ रहे, मन भी सोया हुआ होता है उस समय, सपने भी नहीं देखते, गहरी निद्रा, घोड़े बेच के सोए, थके आ रहे, मांदे,
तब भी आपकी सांसें चलती हैं तो ये समान वायु लेती है। व्यान जो हृदय में होती है ये सारी नसों में ब्लड को फेंकती रहती है, और फेंकती नहीं, खराब ब्लड को खींचती है और अच्छे को फेंकती है। खराब को खींच के और कफ के रूप में या किसी भी रूप में बाहर फेंक देती है। ये व्यान का काम है। इन्हीं वायुओं में एक धनंजय नाम की वायु शरीर के अंदर, हमारे शरीर से जब 9 वायु निकल के चली जाती हैं अंत समय में, कोई भी नहीं बचती, ब्रीदिंग नहीं बचती, 9 वायु चली जाती हैं, अंत में धनंजय वायु रह जाती है। वो आपके सारे शरीर को अकड़ा देने के बाद में, मृतक के शरीर को अकड़ा देने के बाद में फिर वो निकल के जाती है। इसलिए तो मृतक जब शरीर त्याग देता है, बॉडी शरीर पड़ा रह जाता है, तो बोलते हैं कि जल्दी से सीधे कर दो हाथ पांव, वरना वैसे टेढ़े के टेढ़े रह जाएंगे। जैसे घुटना खड़ा हो ऊपर को तो ऐसे रह जाएगा कुछ देर के बाद में, घंटा 2 घंटा बाद। इसलिए वो सीधे कर देते हैं हाथों को, पांव को, जैसे उसको आराम से वो ग्रेवयार्ड में ले जाया जा सके या शमशान घाट की ओर अर्थी बांध के ले जाया जा सके। ये धनंजय वायु है शरीर को अकड़ा के, जॉइंट्स को अकड़ा के, टेढ़े मेढ़े जैसे उसको अकड़ाने, जैसा है वैसे अकड़ा दे, ठस करके चली जाती है, ठोस करके। तो ये 49 वायु है, ऐसे 49 पवन है। इनमें वैश्वान और नाम की पवन नहीं, 49 अग्नि है, जिसमें जिनमें से वैश्वान और नाम की अग्नि हमारे भोजन को पचाने का काम करती है। ऐसे अग्नियों के नाम है। तो इस शरीर का बदलाव आता है, इस संसार का। तो भगवान कहते हैं जिस चीज में बदलाव आता है वो सत्य नहीं है। तो ये हमारा शरीर बदलाव आने के कारण स्थिर नहीं रहता, इसलिए सत्य नहीं है। लेकिन ये 24 तत्व जो है जिनसे संसार बनता है वो तो सत्य है, क्योंकि वो इटर्नल है, वो मूल प्रकृति से निकलते हैं। ये सारा मैटर मूल प्रकृति से निकलता है और मूल प्रकृति सत्य है, क्योंकि वो इटर्नल है। ये सारे ब्रह्मांड इटर्निटी में से निकलते हैं, इसलिए इनकी मूल प्रकृति जो है, मूल स्वभाव में ये सत्य है। लेकिन रूप दृश्य और गुण धर्म बदलते जाते हैं, इसलिए इनको असत्य कहा है। आज कोई कहे कि मेरा ये रूप है सॉरी, और 20 साल के बाद देखो तो उसका रूप ही चेंज हो जाता है। बचपन में कितने सुंदर बालक हम दिखाई देते हैं फोटोग्राफी में, और वही बालक अपने रूप को बुढ़ापे में जाके देखे जब 90 वर्ष का, 100 वर्ष का, तो बोलेगा ये मेरा फोटो है, वही नहीं पहचान पाएगा। तो ये रूप असत्य हुआ। जो अग्नि आज जली हुई देख रहे हैं हम रूप, वो कल को राख बन जाती है। तो सत्य नहीं माना गया, ये रूप सत्य नहीं माना गया। ये स्वाद जो आज आ रहा है, या खाया जब तो कड़वा लग रहा था और बाद में जो है जबान पर मीठा मीठा कैसे हो गया, कुछ बदलाव आ गया। या खाया था जब मीठा था, अभी कैसे मुझे, खाया था जो अच्छा लगता था, अभी कुछ बदलाव आ रहा है मुझे ओमिट जैसे। तो चेंजिंग हो रही है हर चीज की। तो चेंजिंग जो है यही संसार है, यही एग्जिस्टेंस है, बदलाव आता है। इसलिए कहते हैं कि भगवान कहेंगे कि ये जो तू सोच रहा है ये सत्य नहीं है, कि ये राजा लोग मर जाएंगे, ये हाथी मर जाएंगे, मेरा गुरु मर जाएगा, मेरा बाबा मर जाएगा,
हमारे पक्ष के भी कोई न कोई मरेंगे। ये बोलो ये असत्य सोच रहा है तू, सत्य नहीं है ये, ये कभी नहीं मरते, ये आत्मा है। ये ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं थे, ये राजा लोग नहीं थे, ये हाथी घोड़े नहीं थे, तू नहीं था या मैं नहीं था, थे। भगवान कहते हैं न त्वेवा हम जातुनासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामे सर्वे वै मतः परम। नेवर वाज देयर ए टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट, नॉर यू नॉर ऑल दीज किंग्स, नॉर इन द फ्यूचर शैल एनी ऑफ अस सीज टू बी। तो भविष्य में भी ये लोग होंगे, तू होगा मैं भी होऊंगा। भूतकाल में थे, मैं भी था तू भी था ये भी थी और अभी भी है। तो कौन किसे मारता है अर्जुन, ये कैसे मारेगा तू इस आत्मा को? गौतम बुद्ध भगवान करुणा के सागर थे, उन्होंने करोड़ों का उद्धार किया है इस धराधाम पर आकर के। आज भी लाखों शिष्य उनके धरती पर हैं। गौतम बुद्ध भगवान जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, 50,000 सन्यासी उनके साथ चलते थे, मूव होते थे। एक बार दक्षिण भारत के एक महाराजा के यहां पर उन्होंने संदेश भेजा कि गौतम बुद्ध आए हैं और उनके साथ में 50,000 सन्यासी भी हैं और भोजन करना चाहते हैं, सभी भूखे हैं। तो दूत ने कहा महाराज ऐसे एक महान संत गौतम बुद्ध आए हैं और उनके साथ में 50,000 उनके सन्यासी शिष्य भी हैं और सभी भूखे हैं। कहाँ हैं? धन्य भाग्यों में मेरे धन्य भाग्य जो मुझे ये अवसर मिले कि मैं उनको भोजन कराऊं। कहाँ है वो? मैं उनके पहले दर्शन तो करूं, उनका वेलकम आ भगत तो करूं, उनकी मैं अगवानी करूं, मैं उनकी कहाँ है वो? तो दूत कहने लगा कि महाराज यहां से दूर 1.5 माइल पर जो बड़ा पहाड़ है उसके बाद में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी की तलहटी में है सब सारे वाटे। चलिए चलिए। तो महाराज जो नंगे पांव राजा चल के आए, पहाड़ी भी आ गई, पहाड़ निकल गया, पहाड़ी आ गई। बोलो किधर है? मुझे तो कोई आवाज शोरगुल, 50,000 व्यक्ति जहां पर होंगे कुछ तो आवाज आनी चाहिए, कुछ शोरगुल होना चाहिए। तू कह रहा है ये पहाड़ी के उस साइड में बैठे हैं सब। बोलो कोई आवाज तो आ नहीं रही, लेकिन ये सन्यासी गौतम बुद्ध के साथ में पिन ड्रॉप साइलेंट शांत ध्यान कर रहे हैं। 50,000 एक साथ शांत मौन है। बोलो महाराज थोड़ा और चलिए, पहाड़ी के उस तरफ को तल बैठे हैं। बोलो ठीक है चलते हैं। तो गौतम बुद्ध भगवान एक दिन सोचते हैं कि मुझे अंगुलीमाल के पास जाना है। अंगुलीमाल एक महान खतरनाक डाकू उस समय का था, जैसे किसी का भी आम नाम लो। कहते हैं कि माताएं 50-50 कोस की दूरी पर अपने बच्चों को यह कहकर सुलाती थी कि सो जा बेटा अंगुलीमाल आ जाएगा, और बच्चा सो जाता था अंगुलीमाल का नाम सुन के। अंगुलीमाल बड़ा खतरनाक डाकू था, जंगल में छुपा रहता था और रोज ही नित्य अंगुलियों की आदमियों की अंगुलियों को काट काट के ताजा अंगुलियों की माला बना के और गले में पहनता था अंगुलियों की, रोज हत्याएं करता था, नरसंहार करता था। गौतम बुद्ध ने जब ये सुना कि ये दुष्ट को सुधारना चाहिए, ये बिना पापों में
नीच कर्मों में उतरा हुआ है। ये पतित पावन होते हैं संत भगवान अवतार, अंगुलिमाल के पास गौतम बुद्ध गए, उनको यही कहा कि अंगुलिमाल क्यों तलवार उठाता है, तू सोचता है वो मैं नहीं हूं और तू भी नहीं, किसने किसको मारा है, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, कैसे तू मुझको मारेगा। वो अंगुलिमाल की सदा के लिए तलवार गिरा दी, अपना शिष्य बना लिया और एक अच्छा वो सन्यासी गौतम बुद्ध भगवान का कहलाया अंगुलिमाल। जय गोपाल।